नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग वर्तमान समय में जो है इकोनॉमिक्स पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इसके पूर्व में जो है कई लेक्चर अपलोड किए गए हैं और उसी को आप कंटिन्यू करते हुए और आपके सिलेबस में जो टॉपिक निर्धारित किया हुआ है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण उससे विकास, तो बैंकिंग एवं राष्ट्रीयकरण टॉपिक को आज निर्धारित किया गया है और यहाँ से किस तरीके से सवाल बनते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आज के इस लेक्चर में समझने का जो प्रयास करते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो बैंकिंग व्यवस्था मूल रूप से अगर देखा जाए तो बैंक की जो स्थापना हुई थी वो लोगों के बचत के जमा के लिए और दूसरी तरफ उनके विकास उनके कार्य के लिए ऋण देने हेतु स्थापित किया गया, तो मूल काम यही था। लेकिन धीरे धीरे बैंकों की गतिविधियों में जो है वृद्धि होती गई और उनका दायरा जो है बढ़ता गया। तो भारत में अगर देखा जाए ऐतिहासिक विकास क्रम में आकर के तो अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत जो है भारत में व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी, जिससे लेन देन और जमा इत्यादि के जो है आवश्यकताएं महसूस की गई। तो भारत में बैंकों का एक औपचारिक रूप से अगर विकास देखा जाए तो ब्रिटिश शासनकाल से ही जो प्रारंभ हुआ माना जाता है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो आर्थिक गतिविधियां थी वो मूलतः तीन शहरों से होता था, जो है इसे जो है वहां पे मद्रास उस वक्त जो है था। तो सबसे पहली बार जो बैंक की स्थापना हुई वो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, और दूसरा जो है 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से, और दूसरा 1800 जो है 1845 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से। पहले जो है भारत में तीन बैंकों की इस तरीके से स्थापना हुई। ये तीनों बैंकों को मिलाकर के प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था, जो कि बाद में जो है आगे चल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जो है अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। तो प्रारंभिक रूप में अगर देखा जाए तो बैंकों का जो विकास था वो ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ से प्रारंभ होता है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास के रूप में, जो कि 1806, 1840 और 1843 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। भारत में चलकर के भारत का पहला जो बैंक था अगर देखा जाए सीमित डेटा के आधार पर, भारत का पहला बैंक जो है वो अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में भारत का पहला बैंक था, जिसे कहा जा सकता है कि भारत का पहला बैंक। अब भारत का पहला बैंक सीमित देयता के आधार पर, यह शब्द उसमें जुड़ा हुआ, जबकि भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो संचालित पहला बैंक 1894 ईस्वी में जो है पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरीके से बैंकों का जो विकास है, बैंकों की शुरुआत है, वो इस रूप में देखी जाती है। आगे चल करके 1908 ईस्वी में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तृणमूल स्तर तक बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो ये कुल मिला करके एक बैंकिंग व्यवस्था थी जो प्रारंभिक रूप में अपने सामने आई। यहाँ से भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, मिलान के लिए आते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। बाद में 1921 ईस्वी में जो है इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को जो है मिला दिया गया और इसके स्थान पर किसकी स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक की जो स्थापना की गई। यहां तक जो है भारत में बैंकों का जो है विकास स्वतः या अलग अलग जो पूंजीपतियों या संगठनों के द्वारा होता रहा, लेकिन अब एक ऐसा पीरियड आया जबकि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना महसूस की जाने लगी कि एक केंद्रीय बैंक की होना चाहिए जिसके माध्यम से सभी बैंकों का संचालन, नियंत्रण और निर्देशन किया जाना संभव हो सके। तो यहाँ से जो है भारत में बैंक की स्थापना और उसकी दिशा में किए गए प्रयास का एक दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिससे कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जाना संभव हो सके। और 1914 ईस्वी में चेंबरलिन आयोग की स्थापना की गई, चेंबरलिन आयोग की स्थापना की गई और इन्होंने जो भारत में एक केंद्रीय बैंक की
स्थापना पर बल दिया। यद्यपि इनके प्रयास और संस्कृति के आधार पर बैंक तो स्थापित नहीं हो पाए, लेकिन इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था, जो कि 1921 ईस्वी में अभी आपको बताया गया। और वही बैंक जाकर के जो है 1955 ईस्वी में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही जाना जाता था, जो कि 1921 ईस्वी में जो है अभी तक इंपीरियल बैंक के नाम से था। तो जो पूर्व में प्रेसिडेंसी बैंक थे वो यहाँ पे आकर के इंपीरियल बैंक और यहाँ पे आकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाने जाते हैं। 1924 ईस्वी में चेंबरलेन कमेटी ने जो है आयोग ने ये बताया कि भारत में बैंकों के विकास के लिए नियंत्रण संचालन निर्देशन के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए इस पर जो है विकास चला, लेकिन ये जो है एक इंपीरियल बैंक की स्थापना तक ही सीमित रह गया। हालांकि इसमें जो है तीनों बैंकों को एक मिलाकर के करने का कार्य किया गया। इसके बाद 1926 ईस्वी में हिल्टन यंग रॉयल कमीशन, जिसको कहा जाता है रॉयल कमीशन या जो है हिल्टन यंग आयोग, इसने भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना या इसका नामकरण किया कि भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है की जानी चाहिए। और इन्हीं के जो संस्तुति के आधार पर जो 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति स्थापित की गई, केंद्रीय बैंक जांच समिति स्थापित की गई। और इसके बाद जो है RBI एक्ट पारित किया गया, RBI एक्ट 1934 जो है बना। ये दैट वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, RBI एक्ट 1934 बना और 1 अप्रैल 1935 ईस्वी से RBI काम करना जो है वो प्रारंभ कर दिया। तो इस तरीके से एक जो है ऐतिहासिक विकास क्रम की कहानी है, जिसके द्वारा भारत में बैंकों की स्थापना, विकास और केंद्रीय बैंक की स्थापना इत्यादि होती है। और यही बैंक चल करके 1 जनवरी 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। इस बैंक को जो है राष्ट्रीयकृत कर दिया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, इसे जो है राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, जो कि स्थापना जिसकी हुई थी 1 अप्रैल 1950। तो यहाँ पर जनवरी राष्ट्रीयकरण, क्योंकि भारत में अगर थोड़ा सा अगर अपने दिमाग को लगाया जाए तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में जिस तरीके से संविधान जनवरी के माह में लगा था, और उससे भी एक राष्ट्रीयकरण की भी बात थी, क्योंकि भारत राष्ट्र के लिए संविधान या कानून अपने लिए बनाया जा रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ राष्ट्रीयकरण की भी बात की जाती थी, क्योंकि कई बार 1 अप्रैल और 1 जनवरी में कन्फ्यूजन होता है। इसलिए जब हम राष्ट्रीयकृत की बात करेंगे तो जनवरी ही वाली डेट को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भारत में 26 जनवरी 1950 यानी कि जनवरी है। तब उसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, जानकारी के लिए ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप लोग अपने अगर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अगर कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। जिस तरीके से संविधान जो है अपने देश की व्यवस्था के अनुसार कानून बनाने के लिए जो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, उसे लागू किया गया 26 जनवरी को, इसीलिए यहाँ पे भी राष्ट्रीयकृत जो है 1 जनवरी को किया गया, तो थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। RBI का जो है एक और चीज़ आप जान लीजिए कि RBI का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से लेकर के जो है वो 30 जून के बीच में होता है। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के एक कहानी के माध्यम से बैंकिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एक समेटने का प्रयास किया जा रहा है, और इसके माध्यम से न केवल परीक्षा उपयोगी चीजों को आपको देने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि इससे संबंधित एक जो अवधारणा, कॉन्सेप्ट और समझ आप में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ गतिविधियां थी बैंक की, बैंक के विकास से संबंधित, बैंकों के स्थापना से संबंधित जो कमीशन कमेटियां बनी हुई, और केंद्रीय बैंक के रूप में RBI की स्थापना जो है आती है। और यहाँ पर जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो गोरवाला कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको जो 1955 ईस्वी में बनाया गया था। तो यहाँ पे 2-3 कमेटियाँ जो है आई, जैसे चेंबरलेन कमेटी, हिल्टन यंग थी 14 में ये थी, 26 में ये थी, और इसी तरीके से 1930 ईस्वी में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति बनाई गई थी, और गोरवाला कमेटी जो कि 1955 ईस्वी में इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये रही भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें।
अब हम बैंकों का कार्य देख लेते हैं या विशेष करके आरबीआई का काम देख लेते हैं कि आरबीआई, क्योंकि यहाँ से सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है आरबीआई का काम, तो इसलिए हम इसको जो है देख लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक सामान्य बैंकिंग का काम करता है, दूसरा जो है शाख नियंत्रण का काम करता है। तो दो तरीके के इसके जो है काम यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, सामान्य कार्य और जो शाख नियंत्रण का काम। शाख जो है नियंत्रण का काम, ये जो दोनों काम इनके द्वारा जो है किया जाता है। अब हम इसको देखेंगे कि एक और दो के रूप में, तो एक पर अगर चर्चा करें तो ये इसका काम जो है पत्र मुद्रा का निर्माण करना है, पत्र मुद्रा निर्गमन। हम कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे, यद्यपि इसको संक्षिप्त में हम लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को जल्दी से जानकारी इसका मिल सके। पत्र मुद्रा के अंतर्गत विभिन्न मूल्यों के नोट्स को जारी किया जाता है। ये 1 रुपए के नोट से ऊपर यानी कि 2000 रुपए तक के जो है नोट्स को जो है ये जारी करता है, 2000 रुपए के जो है नोट्स को ये जारी करता है। और 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है इस पर जो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये चीज़ जान लेना आवश्यक है। जबकि और इसके ऊपर के नोट्स जो हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और इस पर जो है गवर्नर के जो है सिग्नेचर होते हैं, तो ये चीज़ जान लेना जो है आवश्यक होता है। भारत में जो मुद्रा निर्गमन किया जाता है, ऐसे नहीं जितना इच्छा उतना मुद्रा निर्गमन, जितने भी जो है मुद्रा जारी किए जाते हैं उसके सापेक्ष एक व्यवस्था है। और भारत में 1957 ईस्वी से न्यूनतम कोष पद्धति अपनाई गई है, न्यूनतम कोष पद्धति अपनाई गई है, और जिसमें जो है इसके सापेक्ष एक न्यूनतम जो कोष को स्थापित करना हो तो भारत में जो है 200 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था उसके लिए निर्धारित की गई थी। और इसके अंतर्गत जो है कोष के अंतर्गत जो है विदेशी मुद्रा और सोना को जो है सम्मिलित किया जाता है। तो 1957 ईस्वी से न्यूनतम कोष पद्धति, उसके पूर्व में आनुपातिक कोष पद्धति अपनाई गई थी। और भारत में जो नोट जारी होता है वो इस आधार पर होता है कि उसके सापेक्ष भारत में वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो भारत में मुद्रा का मूल्य घटेगा और महंगाई बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के पत्र मुद्रा का निर्माण करना इसका महत्वपूर्ण काम है। ये सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करती है, सरकार के जो है बैंकर के रूप में काम करती है। कहने का मतलब यह है कि सरकार के जो है आय और व्यय के बीच में जो अंतर होता है, यदि भारत घाटे में होता है बजट, तो उस समय अर्थोपाय अग्रिम या जिसे बेज एंड मीन एडवांसेस के नाम से जाना जाता है, बाद में व्यवस्था, पहले जो बिल्स चलते थे ट्रेजरी बिल, उसको समाप्त करने के बाद बेज एंड मीन एडवांसेज होता है, उसके अंतर्गत जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के लिए जो है आरबीआई के द्वारा। तो सरकार के बैंकर के रूप में भी काम करती है। तीसरा, ये बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करती है, बैंकों के बैंक के रूप में भी इसके द्वारा काम किया जाता है। बैंकों के बैंक का तात्पर्य है कि ये वाणिज्यिक बैंकों के भी सीधा ये जनता से लोन, जनता को लोन नहीं देती है, जनता से जमा नहीं प्राप्त करती, बल्कि वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक, BOB है, स्टेट बैंक है, ये सब वाणिज्यिक बैंक हैं। इन बैंकों को जो है ये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और इसके अंतर्गत जो है वो बैंक दर या जो है रेपो रेट के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है, जहाँ पर रेपो रेट जो होता है RR यानी कि रेपो रेट अल्पकालीन ऋण का माध्यम होता है, वहीं पर बैंक दर दीर्घकालीन ऋण का जो माध्यम होता है। इस तरीके से बैंकों को भी जो है इनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण देती है। और इसी के साथ में जो चौथा है वो है कृषि के क्षेत्र में, कृषि विकास पर यह भी बल देता है, कृषि विकास के अंतर्गत जो है कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो है संस्थाओं को वित्तीय का काम करता है। और ये भी एक लिमिट बनाता है कि बैंकों को अपना न्यूनतम इतने किस निश्चित प्रतिशत जो है वो बैंकों को लोन देना ही देना होता है। तो इस तरीके से कई प्रकार की जो चीजें होती हैं वो उसके अंतर्गत जो है ये निर्धारित किया जाता है कि किसी के क्षेत्र में जो बैंकों की क्या नीतियां होनी चाहिए। अब अगली है जो है औद्योगिक क्षेत्र, कृषि के साथ में जो है उसके दूसरा जो भाग है वो औद्योगिक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। राज्य वित्त निगम
औद्योगिक वित्त निगम में इसके पर्याप्त शेयर होते हैं। ये बैंकों को औद्योगिक इकाइयों को मध्यम और दीर्घकालीन ऋण भी उपलब्ध करवाता है, जिससे इनके पूंजी की आवश्यकताएं पूरी हो सके और ये अपने उद्योगों में उत्पादन को प्रारंभ कर सके। तो ये औद्योगिक इकाइयों को भी, बैंक औद्योगिक इकाइयों को भी वित्तीय का काम करती है और उन इकाइयों के माध्यम से उद्योग क्षेत्रों को लोन दिया जाता है। और इसके साथ में जो है समाशोधन गृह, समाशोधन गृह का मतलब होता है क्लियरेंस हाउस, क्योंकि ये बैंकों का बैंक होता है इसलिए सभी प्रकार के जो है बैंकों के जो है इस प्रकार के कार्य को इसके स्तर से संपादित किया जाता है। जैसे अलग अलग बैंकों के द्वारा जो चेक जारी किया जाता है, तो कोई पंजाब नेशनल बैंक का अगर चेक है वो बीओबी में दे दिया गया, तो बीओबी के द्वारा एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पे सभी बैंकों के जो है चेक को एक दूसरे में आदान प्रदान किया जा सके और उससे संबंधित जरूरतों का क्लियरेंस किया जा सके। तो यह काम समाशोधन गृह के रूप में जाना जाता है। और वित्तीय विनिमय नियंत्रण का भी काम करती है। विनिमय नियंत्रण का जो है काम इसके द्वारा जो किया जाता है, विनिमय नियंत्रण का मतलब यह है कि भारत की मुद्रा विदेशी मुद्रा के बीच में जो है विनिमय किया जाता है और विनिमय बाजार का जो विकास करना इसके ऊपर है। आरबीआई के द्वारा नियम बनाया जाता है ताकि हवाला बाजार को रोका जा सके, यानी कि गलत तरीके से भारत की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा और दूसरे देश की मुद्रा को भारत की मुद्रा में अगर चेंज किया जा रहा है बिना किसी आरबीआई के अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, तो यह कारोबार जो है हवाला कारोबार के अंतर्गत आता है और आरबीआई इसको रोकने का काम करती है और भारत में एक विनिमय नियंत्रण के साथ साथ विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना भी जो इसका महत्वपूर्ण काम होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण काम थे। इसके अलावा भी कुछ आरबीआई के द्वारा जो आंकड़े भी प्रेषित किए जाते हैं वो जो है कृषि से, उद्योग से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित, साख से संबंधित जो है आंकड़े भी जो है इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये इसका जो है आरबीआई का एक महत्वपूर्ण काम है। ये इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ से भी सवाल आप लोगों को परीक्षा में सीधे की सीधे जो है पूछे जाते हैं। साख नियंत्रण को ही जो है मौद्रिक नीति कहा जाता है, जो कि आरबीआई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साख नियंत्रण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता का नियंत्रण किया जाता है। तरलता का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा की उपलब्धता को नियंत्रण करना ही तरलता कहलाता है। और यह जो है साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है जो कि आरबीआई के द्वारा जो है संपन्न किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है कई प्रकार के जो है अल्पकालीन माध्यम है, जैसे रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट, यानी कि रेपो रेट हो गया और दूसरा हो गया रिवर्स रेपो रेट, RR हो गया और RRR हो गया। तो ये माध्यम हो गए। दीर्घकालीन माध्यम में जो है बैंक दर हो गया। बैंक दर होता है खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं इसमें प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय होता है। और CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात होता है। तो ये अल्पकालीन माध्यम है, दीर्घकालीन माध्यम है। और एक होता है SLR और CRR। ये जो है आरबीआई के द्वारा जो है अनिवार्य नियंत्रण के माध्यम होते हैं, जो कि बैंक अनुसूचित क्षेत्र के बैंकों के रूप में जो है लागू होता है। तो SLR में जो है ये तरल पदार्थों को, और इसमें जो है वो नकद रूप में जो है आरक्षित व्यवस्था को बनाए रखना होता है ताकि बैंक की जो है विश्वसनीयता को बनाया जा सके और किसी विशेष परिस्थिति में बैंक के सामने उत्पन्न होने वाले संकट से उनको बचाया जा सके। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रेपो रेट। ये अल्पकालीन मुद्रा, अल्पकालीन जो है माध्यम है, इसके माध्यम से जो है आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लोन दिया जाता है, कम दरों पर दिया जाता है और ये अल्पकालीन होता है। और रिवर्स रेपो रेट इसके अंतर्गत जो है स्वयं वाणिज्यिक बैंकों के धनराशि को अपने पास रखा जाता है, यानी कि ये रिपो रेट का जो आरआर है, रिपो रेट यानी कि रिपर्चेज ऑप्शन रेट होता है, यानी कि इस तरीके से कोई जो है पक्ष जो है जो बिक्री करता है अपने प्रतिभूतियों की, कि वो एक निश्चित समय के बाद उसको खरीद लेगा, उसे जो है ही रिपो रेट कहा जाता है, रिपर्चेज ऑप्शन रेट रिपो रेट कहा जाता है। रीपर्चेज ऑप्शन रेट और रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन रेट, ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। तो रिपो रेट में जो है इस तरीके से जो है किसी पक्ष के द्वारा अपनी प्रतिभूतियों की जो है विनिमय करना कि एक निश्चित समय के बाद जो है
वो उसे खरीद लेगा, और यहाँ पर जो होता है इस तरीके से जो है खरीदना कि एक निश्चित समय के बाद उसको बेच देना। तो यहाँ पर जो है लोन दिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन माध्यम से, और यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक जो है वो आरबीआई के पास अपना धनराशि रखते हैं और उस पर उनको जो है ब्याज प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये दोनों ही माध्यम है और इन दोनों माध्यमों का प्रयोग अल्पकालीन समय के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बैंक दर जो है ये बैंक दर जो है दीर्घकालीन माध्यम होते हैं, इसके द्वारा जो है दीर्घकाल के लिए लोन दिया जाता है। ये व्यवस्थाएं होती हैं रिपो रेट, यानी कि वह माध्यम जिसके द्वारा अल्पकाल के लिए जो है आरबीआई अपने वाणिज्यिक बैंकों को लोन देती है, और यहाँ रिवर्स रिपो रेट रिवर्स रिपर्चेज ऑप्शन रेट होता है जिसके माध्यम से अपने जो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा आरबीआई अपने पास उनके धन को रखती है और उसके बदले उनको ब्याज देती है। इसीलिए जो है हमेशा रिवर्स रिपो रेट जो होता है वो रिपो रेट की अपेक्षा जो है वो कम होता है। बैंक दर हो गया, खुले बाजार की क्रियाओं में जो है प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय होती है, प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय होती है, और ये सवाल सीधा परीक्षा में इसी तरीके से पूछा जाता है कि खुले बाजार की क्रियाओं में क्या किया जाता है, तो यहाँ प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय जो है की जाती है। यदि प्रतिभूतियों की जो है खरीद की जा रही है तो इसका मतलब पैसा अर्थव्यवस्था में पहुंच रहा है आरबीआई के द्वारा, और यदि प्रतिभूतियों की विक्रय की जा रही है तो पैसा वहां से आ रहा है। तो पैसा जा रहा है तो तरलता बढ़ रहा है, साख का जो है कंट्रोल कम किया जा रहा है, और अगर जो है प्रतिभूतियों की जो है खरीद की जा रही बिक्री की जा रही है तो पैसा अर्थव्यवस्था से वापस लौट के आ रहा है। तो ये खुले बाजार की क्रियाएं भी इसका माध्यम है। कैश रिजर्व रेशियो, इसके अंतर्गत जो बैंक को अपने कुल जमा का जो एक निश्चित प्रतिशत भाग जो है नगद के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, और एसएलआर होता है इसके अंतर्गत जो तरल रूप में रखना होता है, इसमें जो सोना है विदेशी मुद्रा है और स्वीकृत जो प्रतिभूतियों इत्यादि को जो इसमें शामिल किया जाता है। तो ये माध्यम जो साख नियंत्रण का ये जो है माध्यम होती है जिसके द्वारा आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा का नियंत्रण करती है, जिसे साख नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में सामाजिक आर्थिक विकास, भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, भारत में सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो दो चरणों में जो किया गया, एक जो है 19 जुलाई 1969 ईस्वी को, और दूसरा है 15 अप्रैल 1980 ईस्वी। इसमें जो है 14 बैंकों का किया गया, इसमें जो है वो 6 बैंकों का किया गया, इसमें 50 करोड़ की जो है जमा वाले बैंकों को, इसमें 200 करोड़ रुपए की जो जमा वाले बैंकों को जो है शामिल किया गया। और इसका जो उद्देश्य था वो बेसिकली भारत में जो देश का जो विकास था, देश का विकास था, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार था, बेरोजगारी से निजात था, आवश्यकता योग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में काम करना था, कृषि विकास पर बल देना था, और औद्योगिक इकाई जो है इकाई के लिए जो प्रयास करना था। तो बेसिकली देश का विकास करना था, क्योंकि पहले केवल ऋण देना और मांग जमा को प्राप्त करना ही बैंकों का काम था, लेकिन इसके बाद से वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहां जहां पे भी आवश्यकताएं थी वहां वहां को ऋण देने और वहां वहां से जमा प्राप्त करने, वहां पे अन्य बैंकिंग सुविधाओं को अपने जो है प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया, और इस रूप में देश की जो आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी भूमिका अदा करना प्रारंभ कर दिया। जहां पर पहले देश
में बैंकों का केवल उद्देश्य लाभ कमाना होता था, वहीं अब बैंकों का उद्देश्य जो है देश का विकास और समाज सेवा के लिए भी जो आ गया। तो इस तरीके से इसकी भूमिका थी बैंकिंग सुविधाओं का जो विकास, यानी कि पहले वहीं पर बैंक स्थापित किए जाते हैं जहां पर आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती थी, लेकिन इसके बाद से जो पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंक की सुविधा स्थापना किया जाने लगा। कुछ ऐसे स्टार्टअप होते थे जिनको लोन की आवश्यकता होती थी, तो वो यहाँ पर जो है इनको ऋण देना प्रारंभ किया, जिससे कि वो स्वयं अपने जो है रोजगार तलाश कर सकते थे, अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकते थे। तो इस माध्यम से बेरोजगारी से भी निजात हो गया। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में इनके 1% निर्धारित किया गया कि बैंकों को अपने कुल लोन का इतना प्रतिशत यहाँ पर देना ही देना है। इसी तरीके से कृषि के क्षेत्र में अलग स्पेशल संस्थाएं स्थापित की गई, नाबार्ड की स्थापना की गई, अन्य और कृषि से संबंधित संस्थाएं की गई जिनमें जो है बैंकों के द्वारा लोन दिया जाएगा। औद्योगिक इकाइयों का मतलब यह न केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में, बल्कि जो औद्योगिक इकाइयां कमजोर हो जाती जिनको रुग्ण संस्था कहा जाता था उनके लिए भी जो है यह काम करना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस तरीके से भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था का जो शुरुआती जो है दौर, उसका जो विकास, केंद्रीय बैंकों की स्थापना, उसके कार्य, शाख नियंत्रण और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 2 चरण तथा उनके उद्देश्यों को जो है अपने टॉपिक में जो शामिल किया। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना, पुनः अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।